तो अगर आपका भरोसा उठ चुका है इंडियन मूवीज से कलंक जैसी मूवीज देखने के बाद और करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर की मूवीज देखने की वजह से, तो आज की वीडियो में स्पेशली आपको डेडिकेट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि आज मैं टॉप 5 वेब सीरीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आप सबके लिए एक और सरप्राइज लाया हूं और मैं आज टॉप 8 वेब सीरीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ऐसे ही मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आज की वीडियो देखने के बाद आप खुद से ये कहेंगे, ओह माय गॉड, वाओ, स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। तो नंबर 8 पर गुल्लक। ये वेब सीरीज आपको हंसा हंसा के पागल कर देगी। ये एक फैमिली फ्रेंडली सीरीज है तो आप इसे अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हैं। इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें मिस्टर फैमिली के अतरंगी टैलेंट्स को दिखाया गया है, उन फोकस में लाया गया है उन टैलेंट्स को। तो इस वेब सीरीज को ज़रूर देखिए, इसकी डाउनलोड मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। कभी लूसी थी कभी हाय थी, घुल जाए तो इलायची। तो अब नंबर 7 पे आती है ब्रिथ। ये वेब सीरीज 2018 में, इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें एक ऑर्डिनरी मैन को जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो क्या होता है, ये आप वेब सीरीज में देखिए। वेब सीरीज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थ्रिलिंग भी है, ये क्राइम ड्रामा वेब सीरीज, आपको बहुत मजा आएगा इस वेब सीरीज को देखने में। ऑर्गन डोनर्स को तो ही मारा है ना? कौन से ऑर्गन डोनर्स? अब नंबर 6 की वेब सीरीज से बढ़ते हैं। नंबर 6 पे आती है द फैमिली मैन। इसकी स्टोरी की बात करें तो श्रीकांत तिवारी एक स्पाई अपनी फैमिली को संभालने की कोशिश करता है। जब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को ये पता चलता है कि वो किसके लिए काम कर रहा है, तो वो किसके लिए काम कर रहा है ये आप वेब सीरीज में देखिए। ये वेब सीरीज काफ़ी थ्रिलिंग है, काफ़ी सस्पेंसफुल है, आपको बहुत मजा आएगा इस वेब सीरीज को देखने में। The foiled terrorist strike on Delhi was way bigger than 2611. अगर 2611 रोकना होता तो रोक नहीं लेते, तभी क्या गोटियां खेल रहे थे क्या? टेरर अटैक रोकेंगे झंडू लोग। नंबर 5 की वेब सीरीज पे बढ़ते हैं। नंबर 5 की वेब सीरीज पे आती है स्पेशल ऑप्स। इसकी स्टोरी की बात करें तो हिम्मत सिंह को पता चलता है कि टेररिस्ट बॉम्ब प्लांट करने वाले हैं, तब वो टेररिस्ट के बॉम्ब प्लांट करने के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। वेब सीरीज काफ़ी थ्रिलिंग है, काफ़ी एक्शन पैक्ड है, आपको बहुत मजा आएगा इस वेब सीरीज को देखने में। अब नंबर 4 पे आती है मिर्ज़ापुर। इसकी स्टोरी की बात करते हैं, मिर्ज़ापुर एक क्राइम का अड्डा है जहाँ दो माफिया फैमिलीज के बीच राइवलरी हो जाती है पावर में आने के लिए। और मैं एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूँगा, इसे अपनी फैमिली के साथ मत दिखे वरना एक फ्लाइंग चप्पल आपके गाल पर पड़ सकती है और लात घुसे से आपकी धुलाई भी हो सकती है, तो उसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा। शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो अपनी बकवास बंद करते हुए नंबर 3 पे पढ़ते हैं। नंबर 3 पे आती है सेक्रेट गेम्स। इसकी स्टोरी की बात करें तो सतराज सिंह को एक बहुत क्लेवर गैंगस्टर जिसका नाम है गणेश गायकोंडे के बारे में पता चलता है। ये वेब सीरीज काफ़ी थ्रिलिंग है, आपको बहुत मजा आएगा इस वेब सीरीज को देखने में। ये बिल्कुल एक चूहे बिल्ली की खेल की तरह है, बिल्कुल इसकी तरह। जब तक ये खेल खत्म नहीं होगा अपनी धरी छह। अब नंबर 2 पे पढ़ते हैं। नंबर 2 पे आती है क्वार्टर फैक्ट्री। इस वेब सीरीज में एक स्टूडेंट लाइफ को बिल्कुल परफेक्शन के साथ दिखाया गया है। आप एक बार इस वेब सीरीज को देखिए, आपको पक्का अपने कॉलेज के दिनों की याद आ जाएगी या स्कूल के दिनों की याद आ जाएगी। ये बिल्कुल मस्ट वॉच वेब सीरीज है, आपको बहुत मजा आएगा इस वेब सीरीज को देखने में। टूटा माहौल देता है, सारे स्टूडेंट्स हैं तो कंपटीशन है, फोकस है तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए।
लेट है इसलिए थोड़ा पीछे है, पर अकेला नहीं है, लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे। फाइनली नंबर वन की वेब सीरीज से बढ़ते जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार होगा। नहीं तो वेब सीरीज का नाम है असुर। ये इंडिया की बेस्ट सीरियल किलर साइकोलॉजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जो मैंने आज तक देखी है। इसकी स्टोरी की बात करें तो दो सीबीआई ऑफिसर एक सीरियल किलर का केस इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कि लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है, और वो वेब सीरीज़ देखने में बहुत मज़ा आता है जिनमें विलन काफ़ी पावरफुल हो। इसमें विलन हीरो से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस वेब सीरीज़ को देखने में, ये काफ़ी थ्रिलिंग भी है। इस सीरीज़ के शुरू के एपिसोड थोड़े से स्लो हैं बिल्कुल इसके जैसे, और फिर बिल्कुल तेज़ी से रफ्तार पकड़ते हैं बिल्कुल इसके जैसे। तो गाइस यही थे वो वेब सीरीज़ जो कि मैंने आज लिस्ट में डाली है। ये सारी सीरीज़ मस्ट वॉच है, आपको इन सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इनकी डाउनलोडिंग मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आज का काउंटडाउन आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय।